keep watching TV 786. Oh my god. तो आपने उन्हीं के बारे में क्वेश्चन किया ना. चलो. जाहिर बात है किसी भी लड़की के लिए शादी करना जो है वो बहुत ही अहम मरहला होता है और उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, उसके बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है जिसमें उसमें उसके मिस्टर परफेक्ट की जो स्टैटिस्टिक्स होंगे वो शामिल होंगे. मगर मैंने हमेशा ये चाहा था कि जो मैंने चाहा था वो पाया. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ मैन इन माई लाइफ जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसको मैं आसानी से जिसको मैं समझ पाऊँ और पढ़ पाऊँ. एंड आई थिंक ही कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. आई एम जस्ट अ स्कैनर फॉर हिम. व्हाई? बिकॉज ही इज़ टू सिंपल, ही इज़ टू ट्रांसपेरेंट. एंड आई थिंक जो इनकी सबसे ज़्यादा जिस खूबी ने मुझे इम्प्रेस किया है वो ये है कि ही इज़ लॉयल, ही इज़ ऑनेस्ट एंड इज़ अ बिट ऑफ इमोशनल और साफ नीयत इंसान है. सो आई थिंक दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमेशा मैं देखना चाहती थी एंड आई फाउंड ऑल दोज इन हिम. यानी आपका कहने का मतलब है कि इनकी लुक्स का इससे कोई I don't think so. I'm the kind of a person that I go for, you know, anything which is temporary. I think looks fade away bhi ho jate hain, looks aage piche bhi ho jate hain. Matlab looks are not something which is permanent. I think I would rather go for something which is permanent. I don't also believe in, you know, worldly benefits as well. Mere liye jo sabse important cheez thi wo ye dekhna tha ki inki personality traits kya hain, so which are permanent. So I think these are the kind of things I wanted to, you know, have in a man, and I just found it in him. So it's just a coincidence that he's so good looking, mashallah. Yeah, it's add on, and I should thank Allah for that he's good. He's not only good looking, he's tall, he's handsome. And there's a lot. We can talk about it later. I think they compliment each other. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yes. Very good. Wajahat Ali Khan for Mulama Khabre. Mera sawal asal se hai ki ab aap Pakistan ja rahe hain to yahan pe jo media Pakistani media hai wo itna zyada kuretta nahi hai aur waise bhi kisi ke maazi ko kuretna nahi chahiye. लेकिन जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो क्या आपने कोई एंटिसिपेशन ऐसी की है कि कोई माजी के क्वेश्चंस आपसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप उनको फेस करने के लिए आप अपने आप को रेडी पा रहे हैं? ये क्वेश्चन जो थे ये दुबई में भी पाकिस्तानी मीडिया थी. जैसे यूके की मीडिया तो चले आप लोग अच्छे हैं, इतने क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन दुबई में ये मैं फेस कर चुका हूँ. और हमारे कुछ लाइव शोज़ भी गए जो डिफरेंट चैनल्स पे थे एंड इवन लाइव कॉल्स आई हमारे पास बहुत. तो आई एम रेडी फॉर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग हर एंड शी इज़ माई पार्टनर एंड आई डोंट डैम केयर अबाउट द पास्ट. सो दैट्स द आंसर फॉर दैट. वो ही इज़ माई नेफ्यू. उनके अबू जो DSP हैं बलवाल. सो ही इज़ माई नेफ्यू. बस यू गॉट योर नहीं, हमारे बच्चे जो होंगे वो और भी प्यारे होंगे. आपने दुबई में इस्लामी शादी भी कर ली, अमेरिका में जी वो भी इस्लामी शादी थी. अब पाकिस्तानी शादी आप कब करने जा रही हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम मार्च के एंड में इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहे हैं. और हमारी तमन्ना होगी कि पूरे पाकिस्तान के साथ धूमधाम से एक ट्रेडिशनल रिवायती शादी जो हो. ये हमारी तो आई एम तो ऑलरेडी बिकॉज हम इतना ट्रैवलिंग कर चुके हैं माशाल्लाह. दिस इज़ द फोर्थ कंट्री. फ्राम दुबई वी वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर उमरा. फ्राम सऊदी अरेबिया वी वेंट टू अमेरिका. फ्राम अमेरिका वी हैव कम हियर इन टू द UK. फ्राम UK वी वुड बी गोइंग बैक टू दुबई. तो एक मैराथन ही है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है. लेकिन हमारी ख़ानदानों की ये तमन्ना है, क्योंकि हम दोनों के माशाल्लाह फैमिलीज़ काफ़ी बड़े हैं, उनकी ये तमन्ना है कि जब तक रिवायती शादी नहीं होगी तो हमें माफ़ नहीं किया जाएगा. सो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें जाके एक रिवायती शादी भी करनी ही पड़ेगी. सो ऑल टुगेदर आई थिंक इट विल बी लाइक दुबई, अमेरिका, लंदन, जो कि कल एक हमारा वेडिंग रिसेप्शन है. मैं फिर एक मरतबे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जावेद मलिक साहब का और पूरी की पूरी यहाँ की कम्यूनिटी का, जिन्होंने हमें ये तोहफ़ा दिया है कल के लिए. तो एक शादी का रिसेप्शन लंदन में भी हो जाएगा, तो इसके बाद फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह.
माशाल्लाह जी असद साहब प्लीज। मेरा सवाल है, कुछ पाकिस्तान की बुजुर्ग अदाकाराएं जो हैं वो आपकी शादी पर एतराज़ भी कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मजाक है, आप उनके लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी बहुत ही खूबसूरत मजाक है, हम लाइकिंग इट। Keep watching TV 786.